अभी रिसेंटली ना इंडिया में न्यू पार्लियामेंट बनता था, जिसका टोटल एरिया था 64,500 स्क्वायर मीटर, और उसको बनाने की जो कॉस्ट आई थी वह थी 1200 करोड़ रुपए। अरे ठीक है यार, ये तो नॉर्मल डाटा है, मुझे ये बताओ कि पर स्क्वायर फीट कॉस्ट कितनी आएगी एज अ आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको बनाने के लिए पर स्क्वायर फीट जो कॉस्ट आई थी वह थी 17,084.16 रुपए। तो आज की वीडियो में 10 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि क्या ऐसी चीजें हैं जो कि न्यू पार्लियामेंट में जो अप्लाई हुई हैं, और उससे सीख करके हम अपने डिजाइन में अपनी बिल्डिंग में अप्लाई कर सकते हैं और अपनी बिल्डिंग को और बेटर बना सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 के बारे में, इसकी शेप के बारे में। तो इसकी जो शेप है वो ट्रायंगुलर शेप है। अब ट्रायंगुलर शेप के बेसिकली दो मेन रीजन है। नंबर 1 तो ये कि काफी सारे रिलीजियस में ट्रायंगल शेप की काफी इंपॉर्टेंस होती है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सारे धर्मों को आपस में जोड़ने के लिए जो है वो एक ट्रायंगल शेप का जो है यूज करा हुआ है। अब दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट वही है, जैसे कि आप गूगल अर्थ पे देखेंगे ना, जो एक्चुअल जो लैंड जो थी वहां पर वो इस तरीके की लैंड थी कि वहां पर ट्रायंगल शेप में ही जो है वो काफी अच्छे तरीके से स्पेस का यूटिलाइजेशन हो पा रहा था। तो इससे लर्निंग आपको ये मिलती है कि आपके प्लॉट का जो एरिया है, जो आपके पास रिक्वायरमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंगली ही जो है आपको वहां पे क्या शेप निकल सकती है, उसके अकॉर्डिंगली आपको शेप डिजाइन करनी चाहिए, जिससे कि आप अपने स्पेस का अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन कर सके। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 के बारे में, बिल्डिंग की कॉस्ट। तो सिंपली जब ये प्रोजेक्ट जब अलॉट हुआ था तो इसका जो कॉस्ट था, जो एस्टीमेट था, वो लगभग 861 करोड़ के आसपास था, जो कि टाटा प्रोजेक्ट ने लिया था। फिर बनते बनते इसका जो कॉस्ट है वो 971 करोड़ हो गया, और काफी सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के हिसाब से इसकी जो कॉस्ट है वो लगभग 1200 करोड़ के आसपास जो वो रही है, जिसमें कि 200 करोड़ के आर्टिफैक्ट भी इंक्लूड है। तो इस पॉइंट से बेसिकली हमें लर्निंग मिलती है कि अगर आपका जो प्रोजेक्ट है जब स्टार्ट होता है और जब वो होता हुआ जाता है, तो उस दौरान अगर महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बढ़ती है, तो आपके जो प्रोजेक्ट है उसकी कॉस्ट बढ़ भी सकती है। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है ऑन टाइम पूरा हुआ था, लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट मान लिया आपकी डेडलाइन 1 साल की है, और अगर वो 3 साल 4 साल अगर वो डिले हो रहा है ना, तो आप ये मत सोचिए कि आपके पास अगर फंड्स नहीं है और उसको आप डिले कर रहे हैं तो आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है, चीजों की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है, तो आपका जो बजट है वो भी जो है उसी हिसाब से बढ़ जाएगा। तो इसलिए जो भी आपकी डेडलाइन है, तो उसी डेडलाइन के अंदर आप पूरा करते हैं, तो डेफिनेटली कॉस्ट में ज्यादा डिफरेंशिएट जो है वो नहीं होगा, लेकिन अगर एक लिमिट को क्रॉस कर देंगे आप, तो डेफिनेटली कॉस्ट में अच्छा खासा जो वेरिएशन देखने के लिए मिल सकता है। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 के बारे में, जो है एंट्रेंस। तो आपका जो न्यू पार्लियामेंट बना ना, उसमें 3 एंट्रेंस है बेसिकली, एक आपकी प्रेसिडेंट के लिए, दूसरी वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तीसरी लोकसभा स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के लिए। तो इस समय ये सीखने को मिलता है कि आप घर भी डिजाइन करते हैं, तो जो एंट्रेंस है उसका आपको ध्यान रखना होता है कि कौन कौन व्यक्ति जो वो घर में रह रहे हैं। और आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति जो रात को लेट आता है, तो उसकी जो एंट्रेंस है वो ऐसे व्यक्ति को डिस्टर्ब ना करे जो कि ऑलरेडी पहले से घर में, या फिर अगर सर्वेंट एंट्री दे रहे हैं तो वो सेपरेट रखें। तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज का भी जो है ध्यान रखना चाहिए। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 के बारे में, इसमें आपका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है उसको 30% तक जो वो रिड्यूस करा गया। कहने का मतलब है कि ग्रीन कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स का जो है इसमें बनाने में यूज करा गया, लाइक आपकी रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम्स हो गए, और जो स्पेस है उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रखा है। लगभग अगले आने वाले 150 सालों के लिए जो है सोच के, मतलब माइंड में, उस हिसाब से जो डिजाइन करा गया। तो इससे हमें क्या लर्निंग मिलती है, इससे सबसे पहले लर्निंग तो ये मिलती है कि आप जो भी मटेरियल्स यूज कर रहे हैं आपको नेचर का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। प्लस इसके साथ ही इसमें 150 सालों की आगे की प्लानिंग करी गई है, तो इसका मतलब यह है कि आप जब भी प्लानिंग करते हैं तो आज के हिसाब से मत प्लानिंग करिए। हम बहुत बार ये कहते हैं कि यहाँ पे एसी की फिटिंग छुड़वाने की क्या जरूरत है, इसमें कितना लोड आ जाएगा, कम लोड ले लेते हैं। तो आपको आने वाले जो टाइम में कितना लोड जो है वो हो सकता है, कितनी चीजें जो है वो हो सकती है, उसके हिसाब से जो है वो सोचते हुए चलना चाहिए। लाइक आपको मान लिया फ्यूचर में 4 मंजिल अगर बिल्डिंग बनानी है, तो उसके हिसाब से आपको फाउंडेशन उसी हिसाब से जो है लेकर के चलना चाहिए कि बाद में प्रॉब्लम नहीं। हाँ, इनिशियल स्टेज पे आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ सकती है, लेकिन बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 के बारे में, तो आपका जो डेली जो रीजन है ना, वो अर्थक्वेक के हिसाब से आपके 5th जोन में आता है। तो आपका जो पूरा जो इंडिया है वो zone 2, zone 3, zone 4, zone 5 के हिसाब से जो है वो डिवाइड है। तो जितना ज्यादा जो है वो लेवल बढ़ता जाएगा, उतना ही जो वो एरिया है वहां पर अर्थक्वेक के आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो दिल्ली जो एरिया है वो हिमालय के रेंज में पड़ता है, तो यहाँ पर जो है वो भूकंप आने के काफी ज्यादा जो है वो चांसेस रहते हैं। तो जो पुराना पार्लियामेंट था वो अर्थक्वेक के हिसाब से जो है वो नहीं बना हुआ था, तो अभी जो नया बना है वो अर्थक्वेक के हिसाब से बना हुआ है। तो अगेन, इसमें अब जो इंपॉर्टेंट चीज जो आपको सीखने को मिलती है वो है स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी की। आप भी अगर बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको अपना जो एरिया है उसको आपको देख लेना होता है कि आपका अर्थक्वेक के हिसाब से वो कौन से जोन में आ रहा है, तो उसी के हिसाब से जो आपको अपनी बिल्डिंग जो है डिजाइन करनी चाहिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि काफी सारे लोग मिस कर जाते हैं। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 के बारे में, तो जो लोकसभा का जो इंटीरियर है ना, वो हमारा जो राष्ट्रीय पक्षी है जो मोर है, उसकी थीम के ऊपर जो डिजाइन करा हुआ है। तो अगर आप देखेंगे पूरा इंटीरियर, तो जो मोर का पंख होता है तो उसी के ही जो है आपको वॉल्स, उसी का ही आपको सीलिंग, और उसी का ही टील कलर का जो है वो कारपेट आपको देखने के लिए मिलेगा। और जो राज्यसभा का जो चैम्बर है वो आपका डेकोरेट करा गया है लोटस थीम से, रेड कारपेट के थ्रू। तो इससे आपको लर्निंग्स मिलती है कि जब भी आप अपना इंटीरियर को डिजाइन करवाते हैं, तो थीम जो है वो माइंड में बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो होती है कि आप किस
एरिया में बना रहे हैं, क्या थीम लेके जाना चाहते हैं, तो उसी थीम के अराउंड जो है आप अपने इंटीरियर्स को कर सकते हैं। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लर्निंग है जो कि आप यहाँ से सीख सकते हैं। फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 के बारे में। तो पूरा जो पार्लियामेंट को बनाने के लिए जो मटेरियल्स यूज करे हुए ना, वो ऑल ओवर इंडिया से जब वो लाए हुए हैं। वो क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट है पूरे इंडिया का, तो इसमें ये दिखाने की कोशिश करी हुई कि हर इंडिया का जो हर पार्ट से जो है वो चीजें ला करके जो पूरे इंडिया का पार्लियामेंट है वो बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन आपका सरमुत्रा से हो गया जो कि डोलपुर में है। फिर आपकी जो लकड़ी हो गई वो नागपुर से, आपकी जो क्राफ्टमैन है वो आपकी मुंबई से हो गई, और जो ट्रेडिशनल हैंडमेड नॉटेड जो कारपेट हो गए वो आपकी उत्तर प्रदेश से आए। तो इस तरीके से हर चीज जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से आई है। हालांकि अगर घर बनाने में आप इस चीज को यूज करते हैं तो ये टेक्निक जो है वो थोड़ी सी कॉस्टिंग बढ़ाने वाली हो सकती है अगर आप हर एरिया से थोड़ी थोड़ी चीजें लेके आ रहे हैं। तो उसके लिए इको फ्रेंडली तरीका तो यही है कि आप जो नियर बाई लोकेशन में जो मटेरियल आप उसी का यूज करिए, तो वो एनवायरमेंट के लिए जो है वो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप इस चीज को नॉर्मल घरों में अगर आप बनाने में यूज करते हैं कि हर जगह से थोड़ी थोड़ी चीज लेके आएंगे, तो इससे आपकी कॉस्टिंग भी बढ़ेगी और आपके लिए जो है ये इको फ्रेंडली भी नहीं है। तो नियर बाई लोकेशन में जो मटेरियल आपको उसी का ही जो है वो यूज करना चाहिए घर बनाने के लिए। हालांकि पार्लियामेंट एक डिफरेंट चीज होगी, तो वहां पर इस तरीके से जो है वो चीजों का यूज कर रखा है। फिर पॉइंट नंबर 8 के बारे में बात करते हैं जो है वास्तुशास्त्र। तो पूरा पार्लियामेंट को बनाने में वास्तुशास्त्र का जो यहाँ पर यूज कर रखा है, और वास्तुशास्त्र में सिंबल्स का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो आप देखेंगे कि एंट्रेंस पे डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स के सिंबल्स का यूज कर रखा है, जिसका हर डिफरेंट डिफरेंट एनिमल का एक डिफरेंट डिफरेंट मतलब है। तो इस चीज को मैं भी बहुत ज्यादा प्रमोट करता हूँ कि आप जब घर बनाते हैं तो आपको वास्तु को जो है वो फॉलो करते हुए ही जो है वो आपको घर बनाना चाहिए। और तो बहुत जल्द मैं वास्तु के ऊपर भी जो डिटेल्ड कोर्स बनाने वाला हूँ, मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आप डिटेल्ड कोर्स वास्तु के ऊपर चाहते हैं। तो फिर बात करते हैं पॉइंट नंबर 9 के बारे में जो है नेचुरल लाइट। तो आप देखेंगे कि सेंटर में एक सेंटर कोर्टयार्ड बना रखा है, और प्रॉपर पूरे पार्लियामेंट को जो है नेचुरल लाइट का जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो यूज हो, इस तरीके से डिजाइन करा हुआ है, जिससे कि आपका जो बिल्डिंग में जो आर्टिफिशियल लाइट है उसकी कॉस्ट भी कम होगी और नेचुरल लाइट से आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इस चीज को जो आप अपने नॉर्मल घरों में भी जो है वो यूज कर सकते हैं। और जो 10th पॉइंट मैं आपको नहीं बताऊंगा, 10th पॉइंट आप मेरे को नीचे बताओ कमेंट बॉक्स में कि 10th पॉइंट आपके हिसाब से जो है वो क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका आप अपने घरों में यूज कर सकते हैं। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और इस तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप रेगुलर पाना चाहते हैं आर्किटेक्चर और इंटीरियर्स के ऊपर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।